हाँ जी मित्रों, मैं हूं मिगल ब्रो। और आज भी मेरे पास बहुत सारी YouTube कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना है। हर गेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है, मत भूलना, एक सेकंड लगता है, कर लो सब्सक्राइब। एंड यहाँ पर मैं आप लोग को डेली YouTube कम्युनिटी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। बढ़ते मैं पहले न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं यूके 07 नेडर के बारे में। आप लोग को पता होगा, आज से कुछ दिन पहले यूके 07 नेडर ने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील को अपलोड कर दिया था, जिस रील में यार बेसिकली वो यार सारे यूट्यूबर्स को चैलेंज कर रहे थे बॉक्सिंग मैच के लिए। बट होता क्या है कि उसके बाद में यूके रेडर ने कोई भी अपडेट नहीं दिया कि वो किसके साथ में बॉक्सिंग मैच करेंगे। ऑल्सो एक पॉपुलर यार व्लॉगर अरमान मलिक, जिन्हें आप लोग जानते होंगे, इन्होंने तो यार खुद रिप्लाई भी कर दिया था यूके 07 नेडर को कि भाई आओ मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, बॉक्सिंग मैच करते हैं। ऑल्सो उसके बाद में यूके 07 नेडर ने कोई भी भाई अपने साइड से रिप्लाई वगैरह किया ही नहीं। इतना ही नहीं, अरमान मलिक तो भाई ये भी कह दिए थे कि वो यूके 07 नेडर के साथ जो बॉक्सिंग मैच करेंगे उसमें वो सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड का यूज करने वाले हैं। एंड फिर भी भाई यूके 07 नेडर ने अपने साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं किया। बट नॉट ओनली भाई अरमान मलिक, अभी के टाइम पे एक और भी काफी ज्यादा पॉपुलर इन्फ्लुएंसर हैं जिनका नाम है जसप्रीत सिंह। इन्होंने तो भाई अपने इंस्टाग्राम पे एक और रील अपलोड किया जहां पर भाई ये भी ट्रोल करते हैं यूके 07 नेडर को। बेसिकली इन्होंने भी भाई यूके 07 नेडर का बॉक्सिंग मैच चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। वो क्या कुछ कहते हैं भाई अपने रील में, देखिए आप लोग। सिंह द यूके 07 राइडर, भाई साहब क्या देख रहे हो आप? भाई आपको नहीं पता भाई ये बंदा मिसिंग हो गया हुआ है, यूके 07 राइडर हो चुका है भाई मिसिंग। इसने भाई चैलेंज दिया था, मतलब सबको चैलेंज दिया था कि 1v1 फाइट करनी है, बॉक्सिंग फाइट। कह रहा था किसके पिछवाड़े में दम है तो 1v1 करेंगे, तो मैंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। बट भाई ये खुद ही मिसिंग हो गया। अब इनके चैनल पे ना बॉक्सिंग के रिलेटेड कोई वीडियो आ रही है ना कुछ, तो इस बंदे को भाई हद से ज्यादा डीएम करो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, शेयर करो इसको और बताओ कि भाई तुमने 1v1 का चैलेंज दिया था और एक्सेप्ट करो। अगर भाई पिछवाड़े में तुम्हारे दम है अब तुम इसको रीएक्सेप्ट करो और जम्मू आके फाइट करने तो जम्मू आके फाइट करो, मेरे को देहरादून बुलाना था देहरादून आके फाइट करो, बट फाइट करो। मर्द हो ना भाई, मर्द की जुबान है ना, तो जुबान पे टिके रहो। 1v1 का चैलेंज दिया था उसको रीएक्सेप्ट भी करो, बहुत ज्यादा शेयर करो और देखने के लिए एक्साइटेड हो 1v1 जेपी व्लॉग वर्सेस यूके 07 राइडर। ऑल्सो पता नहीं भाई यूके 07 राइडर क्यों यार बॉक्सिंग मैच के चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज पहले उन्होंने ही भाई लोगों को चैलेंज किया है एंड अभी यार वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लोगों के बॉक्सिंग मैच चैलेंज को। आप लोग क्या कुछ सोचते हो उसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो भाई ध्रुव राठी के ऊपर लगाया गया एक बहुत बड़ा एलिगेशन। बेसिकली हुआ क्या कि आप लोगों को तो जैसा कि पता ही है कि जो ध्रुव राठी है वो काफी टाइम से बीजेपी को एक्सपोज करते हुए आ रहे हैं। बट जब भी यार ध्रुव राठी को यार कोई कांग्रेस के रिलेटेड या फिर आम आदमी पार्टी के रिलेटेड यार कुछ बातें वगैरह बोलने लगता है या फिर ध्रुव राठी को भाई एक्सपोज करने लगता है उल्टा, तो ध्रुव राठी उसके रिप्लाईज को डिलीट करने लगते हैं, ऐसा बहुत बड़े बड़े यार यूट्यूबर्स का कहना है। तो यूट्यूबर्स इंजीनियर्स रिवील्स को तो यार आप लोग जानते होंगे, इन्होंने इसके रिगार्डिंग एक ट्वीट किया एक प्रूफ को देते हुए, जिसमें वो दिखाते हैं कि जो यार जो ध्रुव राठी है वो नीतीश राजपूत, जो कि खुद भी एक काफी ज्यादा पॉपुलर यूट्यूबर है, उनके वीडियो का भाई रिप्लाई को ही हाइड कर रहे थे। आप लोग देख पा रहे ऊपर हिडन रिप्लाईज भी लिखे हुए हैं। ऑल्सो इसी पे ट्वीट करते हुए इंजीनियर रिवील ने लिखा, ही इज हाइडिंग नीतीश राजपूत वीडियो ऑन दिल्ली लिकर स्कैम एज वेल। कितना वेला है भाई, मोदी ने जर्मनी में भी बेरोजगारी ला दी क्या? सारा दिन रिप्लाईज हाइड करने में निकल जाता होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है और ऑल्सो एक्सपोज किया भाई इंजीनियर रिवील ने भाई ध्रुव राठी को। क्या आप लोगों ने भी ये बात नोटिस किया है या फिर नहीं, मुझे अपने ओपिनियंस को आप लोग कमेंट्स में जरूर बता देना। एंड इतना ही नहीं, जैसे कि भाई आप लोगों को पता ही होगा कि ध्रुव राठी ने कल अपने चैनल के ऊपर में एक वीडियो को अपलोड किया था जहां पर यार वही हिंदू मुस्लिम वाले टॉपिक के रिलेटेड बात कर रहे थे कि बीजेपी काफी ज्यादा यार मुस्लिम्स को बदनाम करती है, कि सारे जितने भी क्राइम्स वगैरह होते हैं सबका सब भाई बीजेपी ही कराती है, ऐसा कहना था भाई ध्रुव राठी का। ऑल्सो उन्होंने भाई ये हिंदू मुस्लिम वाले लड़के लड़कियों की यार शादी के रिलेटेड भी बात किया कि यार जितने भी लोग यार ये लव जिहाद वाले टॉपिक के रिलेटेड बात करते हैं कि भाई हिंदू को मुस्लिम से शादी नहीं करनी चाहिए एंड मुस्लिम को हिंदू से शादी नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें गलत है, दोनों को भाई आपस में शादी करनी चाहिए, ऐसा ध्रुव राठी का कहना था। बट लोग यार ध्रुव राठी को कुछ पॉइंट के लिए इस चीज के लिए भाई बहुत ज्यादा रोस्ट कर रहे हैं। ऑल्सो भाई काफी सीरियस एलिगेशंस भी लगा रहे हैं, काफी सीरियस बातें भी बोल रहे हैं। बेसिकली हुआ क्या कि यार आप लोगों ने देखा होगा कि काफी ज्यादा ऐसे न्यूज इंटरनेट पे स्प्रेड होती रहती है कि यार एक मुस्लिम लड़के ने एक यार हिंदू लड़की के साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो उसी के रिगार्डिंग एक ट्वीट यार बहुत ज्यादा वायरल गया था जहां पर लिखा जाता है, अंटिल इट रीचेस योर होम इट इज अ प्रोपेगेंडा फॉर यू, वंस इट रीचेस योर होम इट इज प्रोपेगेंडा फॉर अदर्स। बेसिकली भाई यही कह रहा था भाई ये बंदा कि जब तक कोई चीज कोई क्राइम आपके साथ नहीं होता तब तक भाई आप उस चीज को भाई बहुत ज्यादा हल्के में लेते हो, लेकिन जब वो आपके साथ में हो जाता है तो दूसरे उस चीज को बहुत ज्यादा हल्का लेने लगते हैं। बेसिकली सेइंग कि यार जो मुस्लिम्स कर रहे हैं यार हिंदू लड़कियों के साथ में, जो हमें न्यूज देखने को मिलती है, वो तब तक आप हल्के लेते रहोगे जब तक वो चीज आपके साथ नहीं होती। तो इसी चीज में भाई क्रेजी दीप रिप्लाई करते हुए ध्रुव राठी को उन्होंने टैग भी किया, जिसमें वो कहते हैं, ध्रुव राठी वीडियो डालो इन केसेस पे, अब हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश करता है तू, तेरी वीडियोस के बाद मान ले 10 लड़की भी ट्रस्ट करने
लगी और इसके साथ कुछ भी हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, बिग गया है पर इंसान तो है। बेसिकली यार कृतिदीप का यही कहना था कि ध्रुव राठी अपनी वीडियो से ये जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भाई हिंदू लड़कियों को भाई मुस्लिम लड़के से शादी करनी चाहिए, अगर इसके वजह से अगर 10 लड़की भी इन्फ्लुएंस हो जाती है और उसके साथ में किसी मुस्लिम लड़के ने भाई कुछ गलत कर दिया तो क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यार ध्रुव राठी लेगा, ये कहना था भाई कृतिदीप का। आप लोग क्या कुछ सोचते हो भाई इस टॉपिक के रिगार्डिंग, आप लोग अपनी ओपिनियन को मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात लेते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट के एक फैन जो कि एक काफी ज्यादा पॉपुलर टिकटॉकर हैं ट्रैक्स एनवाईसी करके, इन्होंने भाई मिस्टर बीस्ट के लिए एक बहुत तगड़ा प्ले बटन रेडी किया। आप लोग को पता होगा यूट्यूबर जनरली यूट्यूबर्स को प्ले बटन देता रहता है, जैसे कि 100 के सब्सक्राइबर पे सिल्वर प्ले बटन, 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे भाई गोल्डन प्ले बटन, ऑल्सो 10 मिलियन सब्सक्राइबर पे यार वो डायमंड प्ले बटन देता है। बट एक टिकटॉकर यार बाय द नेम ऑफ ट्रैक्स एनवाईसी, उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो को अपलोड किया जहां पर यार वो दिखाते हैं कि उन्होंने भाई मिस्टर बीस्ट के लिए एक बहुत ज्यादा क्रेजी कस्टम मेड यार प्ले बटन को रेडी किया है। एंड इतना ही नहीं, ये प्ले बटन इतना खास है, उन्होंने इस चीज को भाई वीडियो में भी दिखाया, ये प्रॉपर यार उन्होंने डायमंड का ही बनाया हुआ है। देखिए आप लोग, Mr. Beast challenged us to make a play button. If I can challenge them to build whatever I want this, but the size of a real play button. So we made it. All right, you turn it over and it's got a surprise. Boom. So we made it special for Jimmy, commemorating where he started. There's a video of him doing saran wrap. That's one of the first videos I ever seen of him. So we put that over here. We put his channel over here. And at that time, he had 170 million subscribers. And of course, we're repping his Feastables brand and so on and so forth. Wanted it to be a surprise for Jimmy. It's an expensive piece. It's made out of silver, kilos and kilos of it, with a diamond play button here in gold. Me and my team worked on it. Unfortunately, we never got a chance to deliver it to Jimmy. So I hope this message at least finds you, Jimmy, and you and your fans get to see the hard work that we did. And if you ever get a chance to pick it up or want it, it'll be here at the shop. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं डेरी मिल्क के बारे में। तो भाई डेरी मिल्क चॉकलेट के रिलेटेड एक बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। तो भाई डेरी मिल्क चॉकलेट तो आप लोगों ने यार अपने नॉर्मल यूज में खाया ही होगा, बट इसके रिलेटेड हैदराबाद से काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज आई। इस चीज को भाई शेयर किया पी पॉय ने, उन्होंने एक ट्वीट किया था इसके रिगार्डिंग, जिसमें कहते हैं हैदराबाद रेसिडेंट डिस्कवर्ड फंगस ऑन एक्सपायर्ड कैडबरी डेरी मिल्क, प्रमोटिंग एन ऑनलाइन कंप्लेंट एंड ड्रॉइंग अटेंशन टू द एक्सपायर मैन्युफैक्चरिंग डेट विच वॉज January 2024 एंड दस शुड हैव बीन इन एक्सीलेंट कंडीशन, प्लीज Be aware and always ask your children to check the quality of the chocolates and candies, as it can cause serious side effects. तो यार भाई अगर आप लोग भी यार कोई चॉकलेट वगैरह खाते हो, टॉफीज वगैरह खाते हो, तो भाई खोलते समय भाई पहले ही देख लिया करो कि यार वो एक्सपायर है या फिर नहीं है। एंड कभी कभी कोई कोई प्रोडक्ट भाई एक्सपायर नहीं भी होते, लेकिन फिर भी उनकी पैकेजिंग की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा भाई गिर गई होती है, तो उस टाइम पे आप लोग को भाई वैसी चीजें नहीं खरीदनी, आप लोग भी भाई थोड़ा सतर्क रहना। पता है नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं समय रैना के बारे में। तो भाई समय रैना ने बहुत गंदा ट्रोल कर दिया युजवेंद्र चहल एंड अनुभव बसी को। बेसिकली हुआ क्या कि चहल ने अभी रिसेंटली भाई अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था अनुभव बसी के साथ में। अनुभव बसी के बारे आप लोग जानते होंगे, काफी ज्यादा पॉपुलर है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। एंड हुआ क्या कि चहल ने यार ये वाले पोस्ट में अनुभव बसी के साथ में ये एक पोस्ट किया था। वो लोग बेड पे लेटे हुए थे, आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा कपल टाइप का भाई ये फोटो था। तो इसी के नीचे भाई समय रैना पहुंच गया यार कॉमेंट करने अपने डैंक मीम्स अपने डैंक जोक्स को लेके। एंड उन्होंने भाई इसके नीचे एक बहुत ज्यादा क्रेजी कमेंट कर दिया, उन्होंने कहा सेकंड फोटो में तैयारी आईपीएल की कम और आईपीएल की ज्यादा लग रही है भाई। अब आप लोग भाई समझ ही गए होंगे कि समय रहना भाई क्या कहना चाहते हैं, इनके जोक्स थोड़ा यार क्रैक करने में टाइम लगता है बट भाई बहुत ज्यादा क्रेजी जोक्स होते हैं। आप लोग मुझे अपने ओपिनियन स्क्वायर कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं रोहित शर्मा के बारे में। तो सबसे पहले यार मैं आप लोग को बता दूं कि आज है भाई 30th of April, मतलब कि भाई आज यार रोहित शर्मा का बर्थडे है। एंड इस चीज पे भाई आज ही इंडिया का जो T20i वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो भी भाई अनाउंस होने वाला है। आप लोग को पता होगा कि जून मंथ के ही अंदर T20i वर्ल्ड कप भाई स्टार्ट होने वाला है, तो यार बहुत जल्दी मतलब कि आज के ही दिन आपको T20i वर्ल्ड कप का भाई इंडियन स्क्वाड देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में भाई बता भी दूंगा। ऑल्सो अगर रोहित शर्मा के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो भाई रोहित शर्मा ने अपने करियर में क्या क्या अचीव किया है ये चीजों को भी रिवील किया गया। सबसे पहले तो यार 10,700 ओडीआई रन उन्होंने कंप्लीट किए हैं, 48 इंटरनेशनल सेंचुरीज करी हुई है, 597 इंटरनेशनल सिक्सेस किए हुए हैं, मोस्ट 100 इन T20i है उनका, मोस्ट वर्ल्ड कप हंड्रेड्स हैं, 5 सेंचुरीज इन अ सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन, ऑल्सो यार मोस्ट 6 इन इंटरनेशनल
इंटरनेशनल क्रिकेट भी है। तो वैसे भी यार आज गोट का बर्थडे है, ऑल्सो यार आज के ही दिन यार T20I वर्ल्ड कप का भाई इंडियन क्रिकेट टीम भी यार अनाउंस होने वाली है। आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट्स में यार जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। तो भाई अगर आप लोग यार ट्विटर पे जाओगे अभी के टाइम पे भाई, तो आप लोग को एक ट्रेंडिंग हैशटैग देखने को मिल जाएगा जो कि है अरेस्ट नरेंद्र मोदी। अब भाई नरेंद्र मोदी को अरेस्ट करने के लिए भाई क्यों इतना यार फैलाया जा रहा है, ऑल्सो इतना ट्रेंडिंग क्यों हो रहा है ये वाला न्यूज, तो सारी की सारी चीज को भाई मैं आपको एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुआ क्या कि आप लोग को पता होगा कि आज से कुछ साल पहले जब कोरोना वायरस आया हुआ था, तो उस टाइम पे भाई दो वैक्सीन को लॉन्च किया गया था। सबसे पहली वैक्सीन थी जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर थी, जिसका नाम था कोविशील्ड। हो सकता है आप लोगों में से मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने यही वाली वैक्सीन का यूज किया होगा। ऑल्सो एक और भी वैक्सीन आई थी जिसका नाम था कोवैक्सीन करके। तो अभी के टाइम में भाई हुआ क्या कि जो यार वैक्सीन थी कोविशील्ड नाम से, उसकी भाई कंपनी ने ये चीज को रिवील किया कि कोविशील्ड भाई लेने से लाइक ये वाला वैक्सीन लेने में कोरोना वायरस से लोगों को भाई हार्ट अटैक हो सकता है। एंड जब ये वाली न्यूज बाहर आई तो भाई लोगों ने नोटिस किया कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने कोविशील्ड वाली वैक्सीन ली हुई है, तो लोगों को भाई हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। एंड ये एक अप्रूवल न्यूज थी, मतलब कि कोई फेक न्यूज स्प्रेड नहीं हो रही थी। एंड आप लोग भाई लोगों के यार ओपिनियंस भी देख पा रहे इस चीज पे, लोग यार यही कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने भाई कोविशील्ड को इंडिया में लाके भाई लाखों करोड़ों लोगों की जान का भाई सौदा कर लिया। आप लोग भाई देख पा रहे लोगों के रिएक्शंस क्या थे। बट वही ऑन द अदर एंड काफी सारे लोग जो हैं वो मीम्स भी बना रहे थे कि अभी के टाइम में भाई सबसे ज्यादा खुश वही लोग हैं जिन्होंने भाई कोवैक्सीन लिया हुआ है, एंड जिन्होंने भाई कोविशील्ड लिया हुआ है उनकी तो भाई ऐसी तैसी हुई पड़ी है। आप लोगों ने कौन सा वैक्सीन लिया था मुझे कमेंट्स में जरूर बताना भाई, मैं तो आप लोगों को बताना ही नहीं चाहूंगा कि मैं वैक्सीन कौन सा लिया। तो चलो गाइस अभी के लिए इतनी न्यूज़ थी, आगे जो भी न्यूज़ मिलेगी यार मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना यार मत भूलना, एक सेकंड लगता है कर लो सब्सक्राइब। एंड यहां पर मैं आप लोगों को डेली YouTube कम्युनिटी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ भाई सबसे पहले दे देता हूं। मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।